दोस्तों अगर आप भी बुमराह, शमी और सिराज को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच को पलट कर रख दिया है सिराज और बुमराह की गेंदबाजी ने, और कैसे दूसरे दिन के खेल में खास तौर पर सिराज और बुमराह ने इंग्लैंड की टीम को पटखनी दी और भारतीय टीम का कमबैक कराया, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सिराज और बुमराह में आज के समय में कौन एक बेहतरीन गेंदबाज है? कमेंट करके नीचे उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को एक बार फिर से घुमा कर रख दिया है सिराज और बुमराह ने। उससे पहले आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच की शुरुआत पूरी तरीके से भारतीय टीम के खिलाफ ही थी। अगर आपको याद हो तो कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला जरूर चुना, लेकिन उससे भारतीय टीम को कुछ खासा फायदा नहीं हुआ। भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड गेंदबाजी इतनी ज्यादा तेज तर्रार थी कि भारतीय टीम को ऑल आउट करने में उन्हें मात्र 78 रन खर्चने पड़े। इसमें सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने 19 रन लगाए थे। इनके अलावा तो सभी खिलाड़ी फ्लॉप रहे और भारतीय क्रिकेट टीम 78 पर सिमट गई। अब सारी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों के हाथ में थी। हाँ, लेकिन भारतीय टीम पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि पहले दिन के खेल में तो भारतीय टीम को कोई विकेट नहीं मिल सका, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड की टीम की धाकड़ बल्लेबाजी के सामने रोरी बंस को पहले क्लीन बोल्ड करके मोहम्मद शमी ने पहला विकेट भारतीय क्रिकेट टीम को दिला दिया था। हालांकि इसके बाद भी चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जॉनी बेस्ट हो या फिर हामिद, जो रूट हो या फिर जॉस बटलर, हर एक खिलाड़ी एक से बढ़कर एक था, लेकिन इन सभी बल्लेबाजों की टोली को आज शमी, बुमराह और सिराज ने मिलकर थकेल कर रख दिया। आपको बताएं दोस्तों कि शमी के यही विकेट लेने के बाद आगे चलकर सेट बल्लेबाज हामिद का विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। जडेजा ने इस खिलाड़ी को भी क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन अभी मैदान पर दो खिलाड़ी सेट हो गए थे जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था, और वो थे डेविड मलान और जो रूट। इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सर में दर्द था, क्योंकि दोस्तों जहां जो रूट शतकीय पारी खेलने के बहुत ही करीब थे, तो वहीं डेविड मलान तो 70 से ज्यादा रन लगाने पर उतारू हो चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाजी थमाई गई सिराज के हाथों में, और सिराज ने इस पार्टनरशिप को तोड़कर भारतीय टीम का एक सॉलिड कमबैक करा दिया। 128 गेंदे खेलकर 70 रन बनाकर मलान सेट जरूर थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई गई तो दोस्तों आते ही सबसे पहले उन्होंने मलान का विकेट भारतीय टीम को दिला दिया। उन्हें पंत द्वारा कैच आउट कराने के बाद मलान 70 रन पर पवेलियन की तरफ लौट गए थे। लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम के सबसे बड़े व तगड़े बल्लेबाज जो रूट मैदान पर सेट थे। शतकीय पारी खेलने के बाद वो 150 रनों की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया गया, और बुमराह ने फिर वही किया जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है। 118वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक स्लो डिलीवरी डालकर दोस्तों बुमराह ने जो रूट को पूरी तरीके से चौंका दिया था। इससे पहले कि जो रूट कुछ कर पाते वो क्लीन बोल्ड हो चुके थे, और उनकी पारी जो कि 150 तक जाने वाली थी वही पारी 121 पर सिमट कर रह गई, और भारतीय क्रिकेट टीम ने वहीं से कमबैक भी किया। आगे चलकर सिराज ने सैम करन का विकेट भी अपने नाम किया, शमी के नाम भी और दो विकेट रहे, और जडेजा ने भी दो विकेट अपने नाम किए। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने अपना 100% देने का प्रयास तो किया, लेकिन रन ज्यादा लग गए। लेकिन वाकई में तारीफ करनी होगी सिराज और बुमराह की जोड़ी की, जिसने भारतीय टीम का असल में कमबैक कराया। परंतु आप सभी सिराज और बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।